हर 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 जस्टिस 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 कोई मोर जस्टिस नहीं बनेगा नहीं बनेगा वंदे मातरम जस्टिस 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 जस्टिस। मैं समय जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर हूँ और मेरे पीछे ये जो लोग बैठे हुए हैं ये पीएम पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं। लगभग 200 दिन होने वाले हैं इनको अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं निकाल पाई है और जो इनको लेकर इनकी नौकरियों को लेकर ऑर्डर हैं वो लगातार रिलीज किए जा रहे हैं कि घाटी में ये वापस आके अपनी नौकरियाँ ज्वाइन करें। इस बीच टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी है, रुक रुक कर टारगेट किलिंग होती रहती हैं और ये लोग ये चाहते हैं कि इनकी जानों से बड़ी नौकरी नहीं है और सरकार इनको जब तक घाटी में हालात ठीक नहीं होते तो सेफली जम्मू डिवीजन में किसी भी जगह इनको ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पर महिलाएं भी आपको दिखेंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, मेल कर्मी भी हैं और बहुत लंबा वक्त बीत गया है और इस बीच उन्होंने हर तरीके से प्रदर्शन करे सरकार को जगाने के लिए, अपनी बात बताने के लिए और कई बार इनकी अहम बैठकें भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई, लेकिन कुछ भी ठोस नतीजा निकल के नहीं आया और यहाँ पर प्रदर्शन इनके जो जारी हैं। यहाँ पर ये लोग हैं और इन्हीं से हम बात भी कर लेंगे। लगभग 200 दिन होने वाले हैं जल्दी, सरकार कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है और दिन बीत रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप मुझे थोड़ा सा मौका बात करने का देंगे? आज जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय 197 डे को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, इस डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम सरकार को कह रहे हैं कि आप जो हमारी डिमांड है उसको एड्रेस कीजिए। इस डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से जो आक्रोश सरकार के प्रति है हम इसको प्रकट कर रहे हैं। हमने 6 महीने संयम रखा है लेकिन आप संयम से बाहर हम हो गए। आप पिछले 6 महीने से आपने पीएम पैकेज एम्प्लॉय किए और उसके फैमिली को रोड पर खड़ा कर दिया। आपने अपने इंटरेस्ट और इमोशंस के साथ पिछले 6 महीने खिलवाड़ किया। आपने 6 महीने हमारी डिमांड को नहीं सुना, आपने 6 महीने से हमारी सेकेंडरी इश्यूज को नहीं सुना। जब आज सरकार के पास मौका था, जो गैप्स था उसको पीएम पैकेज एम्प्लॉय और सरकार के बीच में ब्रिज करने का, आपने इस तरह के हथकंडे यूज किए, आपने गैप्स को और वाइड किया, आपने फिर से दूरियां एम्प्लॉय और सरकार के बीच में बनाई। यह आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम यहाँ सरकार को क्रिटिसिज्म नहीं करना आया है, हम सरकार के साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन कॉपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 5 इकलिंग जो एम्प्लॉयज की वर्किंग प्लेस पर हैं हम सर बात नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर आप करेंगे। आप हमारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, आप हमारे इमोशंस को हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। इस तरह मुझे लगता है जो पीएम पैकेज रिहैबिलिटेशन पैकेज जिसका नाम बना था, उसका डिज़ाइन जो है, उसका जो डिबीट हो रहा है वो कंप्लीट फेल हो रहा है उसका डिज़ाइन। आपने पैकेज आप रिहैबिलिटेशन को पैकेज आप सेपरेशन बनाया। आज आपको हमारी दिल की दर्द सुननी पड़ेगी। हमने बहुत साइन किया, हमने दिल की बात नहीं बनाई। जब 12 साल पहले आपने हमें भेजा है वहाँ, इस तरह जैसे मीडोज में शेफर्ड शीप को लेते हैं ऐसे ही आपने आंध मर्सी आप ऐसे ही छोड़ा है, आपने हमें आंध मर्सी आप लाड़ को छोड़ा है। ऐसा नहीं है, आपने कभी हमारे दिल में जो दर्द है उसको पहचाना नहीं। आपने फैमिलीज में सेपरेशन किया, आपने बेटे को माँ से अलग किया, आपने बेटी को माँ से अलग किया, आपने बच्चे को बाप से अलग किया, आपने बूढ़े बाप को बेटे से अलग किया, बेटी से अलग किया, आपने कपल्स में स्प्लिट किया। आप क्या कह रहे हैं? जब भी कोई सक्सेसिव गवर्नमेंट का डेलीगेशन, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का डेलीगेशन हमारे साथ वहाँ इंटरेक्शन करने आता था तो 3 चीज़ों पर बात होती है। बात 3 चीज़ों पर ये होती थी, आपके पास पानी है, आपके पास बिजली है, आपके पास अकोमोडेशन है। ये इश्यूज नहीं है, बेसिक कम्युनिटीज़ को फिलफिल करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो इशू था, आपने पूछना था कि आपको एडजस्टमेंट कश्मीर में हुई, आपको यहाँ जो बिहेवियर है आपके प्रति चेंज हुआ, आपने इन चीज़ों पर कभी बात नहीं की। हमें अफसोस है, जो पीएम पैकेज है मैं कम्प्लीटली इट इज़ वैलिडिटी ऑन टुडे, इसका कोई मकसद नहीं रहा। आपको एम्प्लॉय को सिक्योर करना है, एम्प्लॉय को आप वहाँ सिक्योर नहीं कर सकते, उसको यहाँ लाइए, जम्मू में अटैच किए, उसके बाद रिलुक करिए इस पैकेज को, हमारे साथ बातचीत कीजिए, तभी यह सक्सेसफुल होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ, हम आपके स्लोगन के साथ हैं, जान है तो जहाँ है, अपीस पार्लियामेंट फॉर नन एंड जस्टिस फॉर ऑल, आप जस्टिस को डिलीवर कीजिए। शहरी को बंद करना क्या दर्शाता है आप मुझे इस बात पर बताइए? आप फेल हुए एम्प्लॉय को सिक्योर करने में और आपने
जो फेलियर है आपको, आपने अपने फेलियर्स को छुपाया और आने आपने ला कि शहरी को, ताकि अस्थि विषय से डाइवर्ट होकर शहरी के, आपको शहरी देनी पड़ेगी। 6 महीने से हम रोड पर हैं, अगर 6 महीने आपने तपस्या की होती तो भगवान ने भी दर्शन दिए होते। ऐसा क्या हमारा खता है, हमारे हमने ऐसा कौन सा क्रिमिनल एक्ट किया, क्या आप तस से मस नहीं हो रहे, आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार है? मुझे लगता है आने वाले समय आएगा आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप बात नहीं सुनेंगे, जो आपका पर्पस है वो कोई भी कामयाब नहीं होगा। सरकार को अपनी बात ये कहते हुए और यही बात कि कई सारी बैठकें हो गई, कई सारी आपके साथ हमने चर्चाएं कर ली, लेकिन आपको ठोस नतीजा नहीं निकाल पाए और तनख्वाहें भी बंद हैं। इस बीच लगभग 200 दिन इनको होने जाएंगे कंप्लीट एक दो दिन बाद, और ये एक बड़ा एजिटेशन बनकर जो है सामने निकला है। और इस बीच छोटे छोटे बच्चे अपने अगर आप देखेंगे ये कर्मी लेके यहीं पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, और इनकी अपील यही है कि जाने हमारी जो है वो बहुत कीमती हैं, अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो वो पीछे पूरा परिवार भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन सरकार उसके बारे में नहीं सोचती है। लेकिन जो सरकार की एक नीति है कि घाटी में ये दिखाना कि वहाँ पर गैर कश्मीरी भी रह रहे हैं और आराम से गुजर बसर कर रहे हैं, तो सरकार के इस नैरेटिव को पूरा करने के लिए जाने ये लोग नहीं देंगे, और बहुत जाने ऑलरेडी लोगों की जा चुकी हैं, अब और नहीं, सेफली जम्मू डिवीज़न में कहीं भी ट्रांसफ़र करें और इनकी सैलरी जो है अब रिलीज की जाए। जम्मू से क्वाइश पटेल।